क्या आज आप लोग ने जो यहाँ पे जो क्या नाम है टोल प्लाजा पे रोक लगा धरना दे दिया है, क्या वजह है उसकी? सर उसकी वजह है जो ये हमारे देश में कंपनी सरकार है, हम तो कंपनी सरकार कहेंगे, इस कंपनी सरकार ने आज करनाल के अंदर इतना जुल्म कहर ढा दिया हमारे किसान मजदूर भाइयों के ऊपर कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। गुंडागर्दी जिसको बोलते हैं वो इन्होंने अपना असली रूप आज चेहरा दिखा दिया है। वैसे तो पहले दिन से ही ये अपनी क्रूरता पे उतरे हुए हैं, आज तो इन्होंने बिल्कुल ही जुल्म कर दिया, इतना जुल्म कर दिया मैंने आपको पहले ही बोला है कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज हुआ क्या, करनाल के अंदर खट्टर ने आना था और करनाल के 15 किलोमीटर दूर बस्ताड़ा टोल टैक्स लगता है जी एक, वहाँ पे हमारे किसान मजदूर साथी इकट्ठे हो रहे थे, वहाँ पे पुलिस ने जाके ज़बरदस्ती क्रूरता दिखा के अपनी क्रूरता का परिचय दिया और लाठीचार्ज कर दिया। वहाँ पे हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे बच्चे बहने, उनके सिर फाड़ दिए गए, उनकी हड्डियाँ तोड़ दी गई। आप बताइए, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इन बीजेपी जो कंपनी सरकार के ये गुंडे दलाल हैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसान मजदूर को, या बल्कि ये आंदोलन केवल किसान का नहीं है, किसान केवल किसान के नाम पे तो ये शुरू हुआ था, आज तो ये जन आंदोलन बन चुका। मैं इनसे बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या किसान मजदूर को या हर जन को अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? अगर है तो फिर ये क्रूरता क्यों, साफ साफ आप इतनी क्रूरता पे क्यों अतराए हो कि जहाँ भी हमारे जितने भी जथेबंदियाँ हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के आदेश यही हैं कि भाई शांति से प्रोटेस्ट करो, और जो हमारे गुरनाम सिंह ढुन्नी जी हमारे किसान नेता हैं वो भी हमें पहले दिन से यही कह रहे हैं कि, और हम करते भी शांति से, आप देखो यहाँ पे रोड जाम किया हुआ है, यहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, बिल्कुल शांति से सभी भाई यहाँ पे बैठे हैं। कितने लोग वहाँ पे घायल हैं कुछ आप लोग को पता चला है कुछ? वहाँ पे सर कोई गिनती नहीं है, वहाँ तो बहुत मेरे ख्याल से 20-25 सैकड़ों की 20-25 तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही घायल हो चुके हैं, और उससे भी ज़्यादा वहाँ तो आज उन्होंने इतना कहर डा दिया, मैं आपको पहले ही बता के रहा हूँ, हमने सोचा भी नहीं था। नहीं, पंचकूला के नहीं थे वहाँ पे, वहाँ तो करनाल के साथी थे और आसपास के जमुनानगर के साथी थे वहाँ पे, मतलब काफ़ी किसान थे हमारे आजू बाजू से आए हुए। यहाँ पे पुलिस आई है तो पुलिस ने आप लोगों से क्या कहा? नहीं, पुलिस ने तो यही हमें बोला था कि आप यहाँ से हट जाओ, हमने बोला कि हम कैसे हट जाएं, हम नहीं हटेंगे, ये कब तक चलेगा, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक चलेगा, और शांति से हम कर रहे हैं हम किसी, और जो एमरजेंसी वाहन है जैसे कि एम्बुलेंस है या फिर हमारी डिफेंस की फौजी भाइयों की गाड़ियाँ हैं या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है या किसी बच्चे का पेपर है या कोई पेशेंट है या फिर कोई किसी बच्चे भाई की बाहर की फ्लैट है, उनको हमने 2-3 लेने खाली छोड़ रखी हैं, उनमें से निकाल रहे हैं, यहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आराम से जो है हमारा रोड जाम का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। और बल्कि उल्टा क्या हुआ, जो हमें शिकायतें मिली हैं पीछे हमारे भाई आए, सरकार ने ही पीछे रास्ता रोड रोक दिया, सरकार ही, प्रशासन ही परेशान कर रहा है, प्रशासन ही यहाँ जो हमारे किसान आ रहे हैं उनको भी आने से रोक रहा है, और ये भी बता रहे हैं कि किसान परेशान कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यही सभी अपने भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी को कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे किसी को रोका नहीं जा रहा है, अभी जो इमरजेंसी वाहन है केवल शांति से जो है हम यहाँ पे अपना रोड जाम का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर करनाल की बात करी थी जहाँ पर लाठी चार्ज वगैरह किया गया, तो बताया गया था पुलिस के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया गया पहले ही कि चेतावनी दी गई थी कि धारा 144 लग चुकी है, यहाँ से हट जाए, कई बार वार्निंग देने के बाद जो है उन्होंने बोला उनका जो पक्ष है कि तब लाठी चार्ज करना पड़ा। आप ये बताइए, अब आप ये बताइए, जहाँ पे लाठी चार्ज उन्होंने किया वो टोल टैक्स पे किया, क्या ये अंधे हैं क्या, इनको पता नहीं क्या टोलों पे किसान बैठे हैं या मजदूर बैठे हैं, इनको ये नहीं दिखता क्या? इसका मतलब ये हुआ, ये जानबूझ के टकराव की स्थिति पैदा करने के लिए, जानबूझ के किसान मजदूरों को परेशान करने के लिए, कल से नहीं सर, कल से नहीं, ये तो जब से हमारा आंदोलन चला है तब से हमारी कॉल है कि जितने भी ये बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के जो दलाल हैं, ये कंपनी सरकार के दलाल हैं, इनका हम विरोध कर रहे हैं केवल काले झंडे दिखा के, और जब इनको पता है हमारा विरोध हो रहा है, ये क्यों ऐसा टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, क्यों लोगों को ये भड़काते हैं, क्यों मारते हैं, ये क्यों ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे लोगों में और आक्रोश आए? क्या इनको अपनी राजनीति, ये सत्ता के जो दलाल हैं ये इनको इतनी प्यारी है कि मजदूरों को, किसानों को, या हर जन केवल, बल्कि मैं तो आपको पहले कह के हटाऊँ कि ये हर जन का आंदोलन है, देश से प्यारी होगी इनको अपनी सत्ता? मोदी सरकार मुर्दाबाद, ये जितनी भी क्रूरता कर रहे हैं इनके ऊपर उल्टी पड़ेगी, इन्होंने आंदोलन को भी इन्होंने लंबा किया है,
क्योंकि हम यहाँ रोड के ऊपर बैठे हैं, सड़कों के ऊपर बैठे हैं, हमारी मजबूरी है, शौक नहीं है। आज क्या मांग रखेंगे आप चैनल के माध्यम से, जो करनाल में हुआ है जिस तरीके से हुआ है लाठीचार्ज आपके कहने के हिसाब से, तो क्या सरकार से मांग रखेंगे? अगर तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता तो हम मांग रखते हैं, ये है स्टेट लेवल का, वहाँ पे हमारे प्रधान जी बैठे हैं गुरनाम सिंह टूनी जी, वहाँ पे जो भी उनकी बातें प्रशासन के साथ मीटिंग चल रही है, जैसे ही वो कह रहे हैं हम तो अपना जो संयुक्त किसान मोर्चे का ऑर्डर है, गुरनाम सिंह का ऑर्डर है, वो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। जो वहाँ पे मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है, यही मांग है वहाँ पे, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें जो हमारे जो साथी हैं अरेस्ट किए हुए हैं वो जल्दी से जल्दी छोड़ देने चाहिए, या जो भी और भी मांग है, जो वहाँ पे जब तक वहाँ पे फैसला नहीं होता तब तक हम बैठे हैं जी। फिलहाल ये जो जाम है आपका ये बरकरार रहेगा फिलहाल जब तक? जी बिल्कुल बरकरार रहेगा, आप देख रहे हो यहाँ पे तो जितने भी हमारे किसान साथी हैं या मजदूर साथी हैं, आप देख सकते हो, ये लोग कहते हैं ना कि केवल किसानों का है, आप देख सकते हो यहाँ पंचकूला के सबसे ज़्यादा मजदूर हैं, सबसे ज़्यादा पंचकूला के मजदूर हैं यहाँ पे, ये सबका आंदोलन है। अभी तो गिनती बढ़ रही है, गाँव में से ट्रालियाँ भर भर के आ रही हैं, मजदूर भाई भी आ रहे हैं, किसान भी, और शहरी क्षेत्र के जो हमारे भाई हैं वो भी आ रहे हैं, अपने आप सहयोग कर रहे हैं यहाँ पे, और तो और यहाँ पे हमें खाने की चीज़ों भी देके जा रहे हैं, कोई पानी लेके आ रहा है, कोई और कुछ लेके आ रहा है, बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। सर, बात करी जाती है जिस तरह से आपने आंदोलन कर रहे हैं, किसान जब सरकार कहती है कि हाँ, या कंपनी आप कह रहे हो चलो, जो कहती है कि हम किसी को सबको अधिकार है अपना बात रखने का, सबको शांतिपूर्वक बात रखने का अधिकार है, और वो रोक भी नहीं रहे हैं। दूसरी बात आती है आज जिस तरह से आपने रोक लगाई, क्योंकि एम्बुलेंस की बात आप करेंगे, हाँ एम्बुलेंस से निकलेंगे आराम से, उनको हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इस जाम, इस चक्के जाम की वजह से पीछे कितना जाम लगता है, तो एम्बुलेंस कैसे क्रॉस हो पाएगी? वो हमने नहीं लगाया, वो सरकार ने जाम लगाया है, आप जाके देखो वहाँ पीछे भी, वो सरकार ने खुद जाम लगाया है। अगर हम कह रहे हैं हमें कोई आपत्ति होती तो हम बोलते, हम क्यों एम्बुलेंस को रोकेंगे, हमें भी पता है हम इस देश के नागरिक हैं। आप नहीं रोक रहे हैं, बिल्कुल सही, वो सरकार रोक रही है, सरकार या जो भी रोक है, लेकिन किसी ना किसी का कोई अगर इमरजेंसी पड़ती है तो उसको कैसे सलूशन निकले? वो सरकार, वो वहाँ क्यों रोक रहे हैं, वो सलूशन निकाले, अगर हम यहाँ रोकेंगे तो हम उसका सलूशन निकालेंगे, वो पीछे सरकार रोक रही है, हम नहीं रोक रहे, ये सरकार ही कर रही है। और दूसरी बात, दिल्ली में भी जो हमारे किसान भाई बैठे हैं ना, बोलते हैं कि रास्ता ब्लॉक कर दिया किसानों ने, रास्ता ब्लॉक कर दिया, हमने नहीं रास्ता ब्लॉक किया, ये ब्लॉक किया है सरकार ने, इस कंपनी सरकार ने रास्ता ब्लॉक किया, बैरिकेडिंग लगाई हुई है, आप सभी को पता है। सर, अब बात खत्म करते जाएगा, अगर इंटरव्यू खत्म किया है तो उसमें सबसे लास्ट में मैं एक ही सवाल करना चाहूंगा कि जो आंदोलन है लगातार 9 महीने से ऊपर हो चुका आंदोलन, तो कितना लंबा चलेगा सर, क्योंकि सरकार झुकने को तैयार नहीं है, उधर से आप भी झुकने को तैयार नहीं है, अब ये बीच का रास्ता भी निकलने को तैयार नहीं है, तो फिर इसको कितना लंबा और चलेगा सर? क्या मतलब ऐसे आंदोलन चलता है तो आपके भी घर परिवार हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आपका समय जो होता है, काफ़ी लोग यहाँ इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो वो कैसे आप सर्वाइव कर पा रहे हैं? सर देखिए, मैं आपको पहले भी कह के हटाऊँ, हमारा देश सोने की चिड़िया था, आज मिट्टी की चिड़ी भी नहीं बचा। ये जब तक देश को बर्बाद करने की ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेते ले लेते, हम तो वैसे भी बर्बाद हैं, ये कानून आगे देश तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, तो हम घर जाके करेंगे भी क्या, जब तक ये तीनों। और दूसरी बात, ये कृषि कानून बता रहे हैं ना, इनको कृषि कानून है, ये कृषि कानून नहीं है, ये तो कृषि व्यापार के कानून हैं, जैसे कि आपने देखा है जम्मू कश्मीर में 370 इन्होंने हटाई, अब देखो वहाँ पे सेब का क्या हाल कर दिया गया, मेवे का पूरी मेवे की फसल खराब हो गई है, ख़त्म हो गई है, और इन्होंने जब ये देश के अंदर हमारा जो भोजन है इनके कब्जे में आ जाएगा तो आम आदमी खाना कहाँ से खाएगा? हम तो तब तक बैठे हैं जब तक ये देश को बर्बाद करने कानून वापस नहीं ले लेते। कितना समय लगता है आपको कि हाँ सरकार समझ जाएगी, क्योंकि सरकार 9 महीने से ऊपर हो चुका है, मेरा वही सवाल दोबारा से है कि कितना समय लग सकता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं सरकार पलटवार नहीं करने, ना पीछे हट रही है, ना आप पीछे हट रहे, आप कानून आपका जो है लगातार जो बढ़ता जा रहा है, किस तरह देखते हैं इसको फिर आप? इसको तो हम सर यही देखते हैं, हमारे तो हौसले बुलंद है, हमारी 600 से ज़्यादा कुर्बानियाँ हो चुकी हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे, हमारे बुजुर्ग शहीद हो चुके हैं। और दूसरी बात, हमें बैठने का, मैं पहले भी बोल के हटाऊँ, हमें कोई शौक नहीं है, हमारा कोई भाई रिश्तेदार, कोई भी हमारा भाई जाके रिश्तेदारी में एक दिन चला जाता है ना, पीछे बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाता है, वहाँ मच्छर भी हैं, ये बोलते हैं ना, वहाँ बहुत सुविधा है, वहाँ खाने पीने की भी मच्छर भी हैं, सब कुछ है, पानी भी है, पानी में ही बैठे हैं तब भी। और दूसरी बात, ये अपने मन से निकाल दें, ये सोचे भी ना कि किसानों के हौसले पस्त हो जाएंगे, ये तो किसान जो देश आज़ाद कराया था, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसान कौम की थी, किसी मतलब सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देश को आज़ाद करवाने में किसान कौम की थी, अभी ये भी एक बहुत बड़ा आंदोलन है, ये भी देश को बचाने का है, इसमें भी 600 से ज़्यादा सभी भाइयों की हमारे कहीं ना कहीं सर राजनीतियाँ भी हो रही हैं, सुनने में ऐसा भी आ रहा है, जो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं इसमें, काफ़ी लोग जो हैं पार्टियों के लोग इसमें फंडिंग वगैरह कर रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये बीजेपी वाले, ये कंपनी सरकार, ये राजनीति कर रही है यहाँ पे, कहाँ
ये बैठे हैं, ये आप इनके कपड़े देख सकते हो, ये राजनीति करेंगे, ये राजनीति कर रहे हैं। ये तो पहले दिन से इन्होंने कितने बार इन्होंने राजनीति की है, आपके सामने तो है 26 जनवरी को किसने किया, इन्होंने किया। कभी एस वाई एल का मुद्दा लेके आते हैं, कभी ये ट्रैक्टर रैली निकालते हैं। अब ये बताइए, ये एस वाई एल का मुद्दा लेके आए आंदोलन को फाड़ने के लेके आए, जब 2014 के अंदर हरियाणा में 2014 के अंदर हरियाणा में सरकार बनी बीजेपी की, नहीं सॉरी सेंटर में मोदी सरकार बनी 2014 में, और 2014 के लास्ट में हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आई, प्योर सरकार आई, और 2017 तक बादल बीजेपी की सरकार रही पंजाब में। तब मर गए थे क्या ये पानी लेने के लिए, तब कहाँ चले गए थे ये? ये ऐसे ऐसे मुद्दे, ऐसे ऐसे हथकंडे ये अपना रहे हैं, ये आंदोलन को वीक करने के लिए अपना रहे थे, पर इनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई। क्योंकि इस आंदोलन में ये किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है, ये केवल मेरा आंदोलन नहीं है, या केवल एक गांव का, एक जाति का, एक धर्म का नहीं है, ये तो परमात्मा चला रहा है इसको ऐसे से तो। और दूसरी बात, जिस भी राजनीति पॉलिटिकल पार्टी ने ना किसान मजदूर के साथ या देश को बेचने की बात की है, या अत्याचार की बात की है, आज तक दोबारा सत्ता में नहीं आई, और इनका अभी बेड़ा गर्क होगा, और इनको तो परमात्मा भी माफ नहीं करेगा। ये आंदोलन परमात्मा का है, ये ऐसे कंपनी सरकार के दलालों के पास टूटने वाला नहीं।